ना ये है एफ आर टू फाइंड ई ओवर एम रेशियो ऑफ ई यूजिंग नैरो फाइन बीम ट्यूब, नैरो फाइन बीम ट्यूब हमारे पास ये है। अच्छा अब इसे मैंने कर दिया ऑन, ये ऑन हो गए। ऑन करने के बाद जो हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले हमने इसको चेक करना है, ये जब इसे करेंगे ना इस तरह तो ये हमारे पास लाइट ऑन हो जाएगी। थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट है, जब ये इस तरह इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल शो होगा ग्रीन कलर में, हम मेरे पास जो शो हो रहा है। उसके बाद हमने जो इसका डिफ्लेक्शन प्लेट है वोल्टेज है वो 150 वोल्ट पे सेट करना है, ठीक हो गया। और इसको ना ये जो हमारे पास 1.2 पे, इसको थोड़ा सा ना हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि हमारे पास जो वो बीम सामने नज़र आ रही है ना वो थोड़ी सी क्लियर हो, उसकी जो है ना थिकनेस, वो थिकनेस कम हो, वो डिफ्यूज़ ना हो। ओके हो गया, जब वो हमने यहाँ पे सेट कर ली, ठीक हो गया। अब हमारे पास वो सेट है, अब हम इसकी लेंगे वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू जो इसकी लेंगे वो हम लेंगे ये जो हमारे पास एक्सलरेटर वोल्टेज है उसको 100 पे सेट करेंगे, जो 100 पे ये सेट हो गया। अब इसकी हम वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे इस स्केल की मदद से। ये जो हम सामने थोड़ा सा बैठ के इसको एक आंख बंद करके अगर चेक करेंगे ना, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ये 7 से 11 के बीच में आ रही है। अब इसे हम नोट करूंगा, मैं नोट करूंगा खामोश भाई, 3 शहादतें चाहिए इसके। ओके ओके, आप साहब भी चेक करेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7 से 11 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया, 7 से 11 सेंटीमीटर है। अब हम इसे चलते हैं 150 पे, ये आ गया जनाब हमारे पास 150 पे। अब 150 पे आया, अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है। तो अब ये आ रही है जनाब हमारे पास ये 6.5 से 10.5 ये जो हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, 10.5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद जो हम करेंगे ये हमारे पास है डायामीटर। इसका जो तरीकाकार ये है वो तरीकाकार है कि 7 से 11 से 7 को हम माइनस करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक हो गया, जो हमारे पास वैल्यूज आएगी उससे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस, ठीक हो गया। हमारे पास जब इसका रेडियस आ गया, किस आ गया, बस ये था।